तो बहुत दिन के बाद मैंने सोचा कि आई विल स्टार्ट व्लॉगिंग अगेन, बिकॉज टुडे आज हम एक जगह जा रहे हैं पहली बार, एंड दैट इज वी आर गोइंग टू यिंगक्योंग। और यिंगक्योंग पड़ता है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी सुबनसिरी नहीं है यार, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से यिंगक्योंग है 167 किलोमीटर्स। और मैंने कल पूछा, आई कॉल्ड अप माय ओल्ड बॉस, हमारा पुराना बॉस, जो पहले मैं जब नौकरी करता था तो उस समय हमारा एक बॉस हुआ करता था, डॉक्टर रुगुन बकरा, इस डीएमओ एट यिंगक्योंग, उनको मैंने कॉल किया। एंड आई एम मीटिंग हिम आफ्टर सो मेनी इयर्स, आई एम रियली एक्साइटेड, एंड ही इज़ ए नाइस गाय। उन्होंने वहाँ पर लंच भी, उन लोग ने लंच खिलाने का वादा किया। दिस इज गनागर ब्रिज, यहाँ देखो यार, तो रनागर के उस पार हमने देखा कि इट वॉज रिटन 167 किलोमीटर, लेकिन रनागर ब्रिज क्रॉस होने के बाद यहाँ पे और एक मार्किंग था, इट इज़ 118 किलोमीटर। तो अभी मेरे को पता चला है कि वाई पीपल आर सेइंग कि यू कैन रीच देयर इन जस्ट 3.5 आवर्स। और फिलहाल रोड बहुत बढ़िया है, तो आई लव टू कम टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल, यहाँ पे रोड्स बहुत अच्छे हैं। और मैंने पूरा अरुणाचल तो घूमा हुआ है, लेकिन यिंगक्योंग आई एम गोइंग फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम। हम लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर फ्रॉम यिंगक्योंग, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा लोकेशन है, सियांग नदी। सियांग नदी सुबह को, मॉर्निंग को जो दिखता है, और ये जो व्यू है, ये व्यू आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि आई विल टेक ए टाइम लैप्स हियर, बिकॉज दिस लुक्स फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। वहाँ देखो नदी कम, बादल ज़्यादा है। तो हो गया अपना टाइम लैप्स, तो हम अभी निकलते हैं यिंगक्योंग, क्योंकि जल्दी पहुंचना भी है और वापस भी आना है आज, क्योंकि आज लेट पहुंचा तो बहुत थक जाएगा, कल फिर हमको जल्दी उठ के रोइंग निकलना है। तो 20 किलोमीटर भी हम लोग पहुँचे नहीं है कि रोड ब्लॉक हो गया है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से इट हैज़ बिन कंटिन्यूसली रेनिंग। तो फिलहाल यहाँ काम चल रहा है, एंड आई एम हैप्पी कि ये शायद जल्दी ही खुल जाएगा। तो सारा गाड़ी लाइन अप है इधर, बट आई थिंक हमारे लिए इतनी तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज आई हैव 4x4, तो जस्ट चेक आउट हाउ बैड इट इज। तो अपना गाड़ी तो अभी भी निकल जाएगा यार। हमारे लिए इतना बड़ा इशू तो नहीं है, आई कैन सिंपली क्रॉस दिस, लेकिन ज़्यादा हीरोगिरी करना नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा गाड़ी सब रुका हुआ है, और अगर गलती से फंस गया तो अपना इज्जत है। तो आई डोंट वांट टू फूट ऑन, लेकिन पानी बहुत तेज है, एंड इट्स गेटिंग, ये अभी जस्ट खुला कर दिया। Baba.
दिल खुश कर दिया यार। सच का ना रीच्ड यिंगक्योंग और 950 को पहुंचा ना हम लोग, 950 को पहुंचा। कुछ करके कितना हो गया, 3:30 लगभग, 3:30 घंटा। और हम लोग को पता नहीं है कौन सा जगह कहाँ पे है, तो हम लोग पहले यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, देन उसके बाद वी विल हेड ओवर टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड बिफोर दैट आई थिंक आई हैव टू मेक अ कॉल। जगह छोटा सा है, पॉपुलेशन बहुत कम ही दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन एवरी थिंग इज़ ऑल सेट लगता है कि मतलब थोड़ा सा ठीक है ना कंपैरेटिवली। हाँ तो चीज़ अभी ये है कि वी जस्ट हैड आवर लंच और हमारा जो काम था 60-70% हो चुका है, और अभी हमको लेना था एक ड्रोन शॉट यिंगक्योंग टाउन का, लेकिन बारिश को वेट कर करके इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 2-3 hours नाउ, बट आज हम लोग को वापस जाना है, तो लेकिन मैं वो ड्रोन शॉट लेकर ही जाऊंगा। अगर 5 या 10 मिनट के लिए भी अगर बारिश रुकती है तो ड्रोन को मैं जैसे भी उड़ाऊंगा। तो ये है आपका, कुछ दिख ही नहीं रहा है यार, स्वर्ग में है जैसे, मतलब कि क्या बोलेगा, इतना साफ़ सुथरा, सबसे मज़ा तो साफ़ सुथरा है, और दूसरा चीज़ पोल्यूशन नहीं है, शांति है, कोई ट्रैफिक नहीं है। तो यिंगक्योंग को मैं मार्क्स दूंगा क्लीननेस में, साफ़ सफाई में, ये बहुत ज़्यादा टाउन्स लोगों को पीछे छोड़ देगा। तो फिलहाल हमारा टूर बाकी है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से वापस पासीघाट जाना है, एंड देन हम लोगों को कल रोइंग टीजू नमसा की तरफ निकलना है। तो कंटिन्यूस जर्नी है, बट प्रॉब्लम यह है कि बारिश होने के कारण वी आर अनेबल टू एक्सप्लोर मच, बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ घूम नहीं पा रहे हैं, बस वी आर हियर, हम लोग अपना काम करते हैं और निकल जा रहा है। तो ये एक व्यू पॉइंट है, पता नहीं ये किस तरफ जाता है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम है यिंगक्योंग में, और हमको बताया था किसी ने कि यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, तो यहाँ पर आया था यहाँ से ड्रोन भेजने का। इनफैक्ट मैं कहीं से भी भेज सकता था, बट मैंने सोचा कि अगर ड्रोन नहीं भेज पाएंगे तो मैं सीधा कैमरा से ही पूरा व्यू ले लूँगा, लेकिन फॉग इतना ज़्यादा है कि वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए प्लान ये है कि वी विल गो बैक मार्केट एरिया में, और वहाँ पर हम लोग अपना थोड़ा सा और काम कर लेंगे, और वी विल वेट फॉर द रेन टू स्टॉप, ताकि ड्रोन को मैं ऊपर देख सकूं। यिंगक्योंग वेजिटेबल मार्केट, और क्या थोड़ा ठहरने के लिए आए हैं, और यहाँ पे जो है बहुत साफ सफाई है, बहुत ज़्यादा। I'm going to go to the next one.
होटल में बाप, लेकिन होटल का है। अच्छे अब तरह मास्क लगेगा ना, मास्क ये बढ़िया। तो इट्स टाइम टू गो बैक टू पासीघाट। हम लोग सुबह पहुँचा था 9:40 प्रसाइसली, और उसके बाद हम लोगों ने विद इन 10, 11, 12 एक दो मतलब 6 घंटे के अंदर में हम लोगों ने अपना काम यहाँ निपटा लिया है। लेकिन दुख भरी बात यह है कि यहाँ कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉट्स नहीं ले पाए हैं, और ड्रोन के लिए भी बहुत रुकना पड़ा, लेकिन हल्का सा 10 मिनट के लिए रुक गया तो हम लोग somehow could fly our drone, लेकिन बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ा पाया क्योंकि घना बादल और बीच बीच में फिर बारिश आ जाता है। दूर भेज देगा तो फिर प्रॉब्लम, क्योंकि इस जगह पे बारिश है, मतलब बारिश नहीं है मतलब कि उस पहाड़ी पे नहीं होगा। तो हम उन्होंने बहुत संभल कर अपना ड्रोन उड़ाया। तो अभी बजे हैं 2:36 एंड वी आर हेडिंग बैक फॉर पासीघाट अगेन। चलो भाई देखा हो रहा। आने का एक बड़ा मुद्दा तो ये था कि हमको यहाँ पे सीनरीज कैप्चर करना था, जो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कोई बात नहीं। इससे अरुणाचल का टूर अभी और बहुत ज़्यादा है, और मेरे ख्याल से 5 दिन का यहाँ टूर है, तो होपफुली हम लोग और ईस्टर्न साइड जाएंगे और वहाँ पे एवरीबडी नोज बहुत सुंदर है ईस्ट अरुणाचल क्या पूरा अरुणाचल ही सुंदर है। तो इतना ट्रैवल करने के बाद में क्या है कि आई एम लकी एनफ कि मैंने पूरा अरुणाचल घूमा हुआ है, फ्रॉम तवांग टू ईस्टर्न साइड में सभी जगह जा चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ कंफर्म हो गया कि हमारा अरुणाचल किसी भी स्टेट से कम नहीं है इंडिया में। इनफैक्ट आई थिंक 90% स्टेट से सुंदर होगा अरुणाचल, और ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और अभी क्या करो कि मेमोरी कार्ड बचाओ।
कुछ बोलो। पार रास्ता में जब भी जाता है यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, कभी कभी ज़्यादा हीरोगिरी नहीं करना है। स्कॉर्पियो होने से भी ज़मीन को पहचानने जानना पड़ेगा। जहाँ तक गाड़ी घुसेगा तो फंसेगा ही, इनफैक्ट बच गया उसका गाड़ी तो देरी से फंसा हुआ था। बताया कि गाड़ी ऑलमोस्ट ऊपर मिट्टी पूरा ऊपर आने वाला था, तो फाइनली जब वहाँ गया मैं तो देखा कि नीचे वो डिफरेंशियल में पूरा पत्थर लगा हुआ था। तो वहाँ में लड़का लोग को बोल के नीचे का डिफरेंशियल को क्लियर करने दिया और पीछे में जहाँ अटका हुआ उसको भी क्लियर करने दिया। तो जेसीबी से नहीं हो रहा था क्योंकि रस्सी नहीं है। तो वहाँ पे जितना लोग था पहले तो उन लोग को बोला कि वहाँ से पानी को रोकेंगे, और पानी को हम लोग ने डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट करने के बाद में सबको बुला के जब धक्का लगाया तो गाड़ी निकल गया। ऐसे जगह में भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तब हो जाता है। वो आदमी लकी है, हम आया था। चलो चलो।